मूवी के फर्स्ट सीन में हम मेन कैरेक्टर इना की नाइटमेयर देखते हैं, जिसमें क्लियरिंग में डेस्क और चेयर्स पड़ी होती हैं और उन पर टेस्ट पेपर्स होते हैं। साथ ही इना किसी जीवन को बुला रही होती है और जीवन हमें ऐसी कंडीशन में दिखती है जिससे पता चलता है कि वो मर चुकी है, लेकिन इना को वो नजर नहीं आ रही होती है। तभी कुछ डेड हुई लड़कियां इना पर अटैक करती हैं और इना की आँख खुल जाती है। नेक्स्ट डे एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट स्कूल आते हैं, जिनमें बहुत सी कैटेगरीज हैं। कुछ स्टूडेंट्स अमीर पेरेंट्स के बच्चे और टॉपर्स हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स एवरेज हैं। एक स्टूडेंट टॉपर होने के साथ साथ क्लास क्लाउन है, जिसका नाम हियुन है। यहाँ हम टीचर्स को भी देखते हैं, जिनके नाम मिस्टर किम, मिस चुए और मिस्टर ली हैं। एग्जाम स्टार्ट होता है तो एक स्टूडेंट बॉन्ग को एग्जाम पेपर पर कोई शक्ल नजर आती है और आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वो डर जाता है। लेकिन उसे नर्वस समझकर मिस्टर किम उसे वापस एग्जाम करने के लिए बिठा देते हैं। एग्जाम के दौरान म्यूजिक ऑन होता है, जो स्पीकर से पूरे स्कूल में सुना जाता है और ये हियुन की शरारत होती है। एग्जाम खत्म होने पर टीचर्स पेपर चेक कर रहे होते हैं, जो प्रिंसिपल मीटिंग के लिए आते हैं और उन्हें बताते हैं कि एक दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट से उनका कंपटीशन है, जिसकी प्रेपरेशन के लिए ग्रेड्स के सारे टॉपर्स को इकट्ठा करके एक ही क्लास में रखा जाएगा और उन्हें इसी वीकेंड स्पेशल क्लास दी जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लास से एक दिन पहले जब सब अपने ग्रेड्स देखने आते हैं तो वॉन्ग इना में फिर वही शक्ल देखकर उस पर अटैक करता है, जिस पर उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लेकिन उसकी मदर स्पेशल क्लास के लिए परेशान होती उसे बाहर निकलवा लेती है। दूसरी तरफ हियुन इना को पसंद करता है, इसलिए वो उसे क्लब की टिकट्स देता है, जिससे वो पहले तो इनकार कर देती है। लेकिन फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड नियोन के साथ स्पेशल क्लास से एक रात पहले क्लब जाती है और उनके स्नीक आउट करते हुए बॉन्ग को दिखाया जाता है, जो छुपा बैठा है और अपने पास जी बॉन्ग को देख रहा होता है, मगर कार्ड को ये नहीं दिख रहा होता और बॉन्ग वहाँ से चीखता हुआ भाग जाता है। स्पेशल क्लास के दिन हियुन को मिस्टर किम अपनी हेल्प के लिए स्टाफ रूम बुला लेते हैं, जबकि एक स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट्स के मोबाइल जमा किए लेकर जा रहा होता है कि कोई उसे रोप डालकर खींचता हुआ ऊपर ले जाता है। दूसरी तरफ स्पेशल क्लास स्टार्ट होती है तो मिस चॉय आती हैं और स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए टीवी स्क्रीन पर इंग्लिश वीडियो लगाती हैं, लेकिन वो वीडियो बंद हो जाती है और कैमरा से लाइव वीडियो दिखाई देती है। उस वीडियो में क्लास की टॉपर हियुन एक क्लास के बॉक्स में बंद होती है और ये देखकर मिस चॉय इना को स्टाफ रूम भेजती है कि वो टीचर्स को बुला कर लाए। जब वो उधर जाती है तो वीडियो से एक आवाज आती है, जो बता रही होती है कि हियुन का बॉक्स पानी से भरता जाएगा और स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिन्हें सॉल्व करके ही वो हियुन को बचा सकते हैं। मजीद ये कि वो लोग बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जो जो बाहर जाएगा वो मारा जाएगा। मिस्टर किम बात खत्म होने पर स्टाफ रूम में मौजूद फोन से कॉल करने की ट्राई करने का कहते हैं, लेकिन कोई भी फोन नहीं चल रहा होता और तभी वो देखते हैं कि हियुन का बॉक्स पानी से भरने लग गया है। मिस्टर किम इन और हियुन को क्लास में ले जाते हैं और मिस्टर ली को पीए रूम फोन चेक करने के लिए भेजते हैं। उधर मिस्टर ली सेटिंग्स देखकर हियुन को गिल्टी समझते हैं, वो वापस क्लास में आकर हियुन को मारने लग जाते हैं और जब इना उसे डिफेंड करती है तो एक स्टूडेंट उस पर साथ देने का इल्जाम लगाता है और उनकी लड़ाई के बीच एक लड़की चीख मारती है। देखने पर पता चलता है कि हियुन का बॉक्स पानी से फुल होने पर वो मर गई है और ये देखकर मिस्टर ली स्कूल के पास मौजूद स्टोर से फोन करने के लिए मिस्टर किम के मना करने के बावजूद बाहर जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मिस्टर ली को जाता देखकर बाहर जाने की ट्राई करते हैं और मिस्टर किम और मिस्टर उन्हें रोकते रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स क्लास से बाहर कॉरिडोर में आ जाते हैं, जहां मिस्टर ली शदीद जख्मी हुए वापस आ रहे होते हैं, मगर वो उधर ही गिरकर मर जाते हैं। तभी एक आवाज आती है जो उन्हें बाहर जाने से मना करती है, साथ ही एक गुम हुए स्टूडेंट की आवाज सुनाई जाती है, क्योंकि क्वेश्चन अब उसके सिम के बारे में होता है, जिसका जवाब ढूंढने के लिए सबको ऑडिटोरियम में पड़े चाइनीज कैरेक्टर्स मिलाकर आंसर निकालना होगा। सब ऑडिटोरियम जाकर आंसर ढूंढने लग जाते हैं और फाइनली मिस्टर किम और इना डिस्कशन करके आंसर ढूंढ लेते हैं। साथ ही हम गुम हुए स्टूडेंट को देखते हैं, जिसे जख्मी करके उस पर कैंडल वैक्स डाला जा रहा होता है। सीन्स वापस ऑडिटोरियम में आते हैं, जहां सब आंसर्स ढूंढकर बॉक्स पर पेस्ट कर रहे होते हैं कि स्टेज पर एकदम से उसी स्टूडेंट की डेड बॉडी आकर गिरती है। सब उसे देखकर डर जाते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि एक और स्टूडेंट जेवुक गायब है। ये सुनकर इना और हियुन ऑफिस जाते हैं। उधर इना स्टूडेंट्स की रैंकिंग दिखाकर बताती है कि सब स्टूडेंट्स रैंक से गायब हो रहे हैं, जिसके मुताबिक नेक्स्ट सूचन है और उसके बाद मेयोंग की पारी है। ऑडिटोरियम में दिखाया जाता है कि क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी स्टूडेंट्स की डेड बॉडी पर लिखे हुए हैं और वहाँ मौजूद एक स्टूडेंट के ख्याल में अगर वो कहीं छुप जाए तो किडनैप नहीं होंगे। वो सब मिलकर बाथरूम का बहाना करते निकलते हैं, साथ ही वो मेयोंग को भी ले जाते हैं और वहाँ से निकलकर वो पैसेज से होते हुए डॉर्म बिल्डिंग जाते हैं और कीज लेकर स्टेयरकेस पर मौजूद डोर खोलकर अंदर जाके एक रूम में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ इना और
हेयून वापस आए तो इमा मेयून के ना होने पर वरिड होती है। मिस्टर किम एक स्टूडेंट जे को ढूंढने के लिए सबको दो ग्रुप्स में डिवाइड होने का कहते हैं और उनके ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है मगर जे नहीं मिलता। वो उसी दौरान एक रूम में पहुंचते हैं जहां जे को छुड़ाने के लिए क्वेश्चन लिखा होता है जिसे नंबर्स से अल्फाबेट्स निकाल कर आंसर ढूंढना होता है। दूसरी तरफ डॉर्म रूम में स्टूडेंट्स लाइट्स ऑफ करके बैठे होते हैं कि उन्हें बाहर से आवाज आती है जिस पर वो लाइट ऑन करते हैं और एक स्टूडेंट डोर के करीब जाता है जिस पर डोर के बाहर से कोई उसे खींच कर ले जाता है। उधर दूसरा ग्रुप मिस जोए के साथ स्कूल में घूम रहा होता है कि इना को अपने रूम की लाइट ऑन देती है और वो उन्हें डोर बिल्डिंग की तरफ ले जाती है। वो वहाँ देखते हैं कि स्टूडेंट्स चीखते हुए रूम से निकलकर भाग रहे हैं। साथ ही हम उधर बॉम और जीवन को भी देखते हैं। नेक्स्ट सीन्स में स्टूडेंट्स जब नॉर्मल होते हैं तो इना को मेयून भी मिल जाती है और ये भी पता चल जाता है कि सूजन गायब हो गई है। वो सब स्कूल की बिल्डिंग की तरफ निकल कर जाते हैं जहाँ उन्हें मिस्टर किम का ग्रुप मिलता है जो जे को बचाने वाला क्वेश्चन सॉल्व ही करने वाले थे मगर टाइम खत्म होने पर जे को मारा जा चुका होता है इसलिए वो स्कूल की बिल्डिंग के बाहर होते हैं। वो दोनों ग्रुप्स एक होकर रेस्ट करने कैफेटेरिया जाते हैं जहाँ स्टूडेंट्स की बातों से इना को उनका जे को बचाने के लिए एंटर किया पासवर्ड पता चलता है और वो बताती है कि ये तो जीवन यूज किया करती थी। साथ ही फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जीवन और इना बेस्ट फ्रेंड्स थे और जीवन क्लास की टॉपर हुआ करती थी। वो अपने फादर का बिजनेस सही ना चलने की वजह से स्कॉलरशिप लेना चाहती थी लेकिन जब मिड टर्म एग्जाम का रिजल्ट आता है तो जीवन सिक्स पर होती है जबकि फर्स्ट फाइव पोजिशन एलीट स्टूडेंट्स की होती है और कुछ ही दिनों बाद जीवन पिल्स मुंह में डाले मरी हुई मिलती है। प्रेजेंट सीन्स में आने पर हम देखते हैं कि मिस्टर किम स्टूडेंट्स को ये सब जीवन से रिलेट करने से मना करता है और सूजन को ढूंढ कर इस सबके प्लानर को मारने का सोचता है। स्टूडेंट्स को गार्ड की प्रोटेक्शन में छोड़कर मिस जोए ने इना और हेयून को लिए सूजन को ढूंढने निकलती है। वो एक रूम में पहुंचते हैं जहां उन्हें सूजन को बचाने के लिए स्कूल के पिक्चर के बने पजल को सॉल्व करना होगा और उस पर लिखे वर्ड्स को सेंटेंस में चेंज करना होगा जबकि सूजन को हम गार्ड में स्पिन होता देखते हैं। मिस्टर किम डॉर्म बिल्डिंग में घूम रहे होते हैं जब उन्हें सीसीटीवी पर जीवन दिखती है और वो मिस्टर किम पर अटैक करती है जिस पर वो एक रूम में छुपते हैं लेकिन कोई दरवाजे में नाइफ मारता रहता है। उधर मिस जॉय इना और हेयून आंसर ढूंढ लेते हैं और सेंटेंस बनता है कि मुझे पता है कि मुझे किसने मारा है अब मेरा गुस्सा बर्दाश्त करो और सच जल्द ही सामने आ जाएगा। वो इससे समझ जाते हैं कि जीवन ही ये सब कर रही है और वो सब वहाँ से निकलकर डॉर्म बिल्डिंग की तरफ जाते हैं जहाँ उन्हें मिस्टर किम भी मिल जाते हैं। तभी उन्हें वॉशिंग मशीन की आवाज आती है जिसे फॉलो करने पर उन्हें सूजन मरी हुई मिलती है और उसे देखते ही इना वहाँ से चली जाती है। वो अपने रूम में होती है जहाँ वो जीवन को देखकर चीखती है तो सब वहाँ आ जाते हैं लेकिन इना उन्हें जीवन को दिखने का नहीं बताती। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किम मिस जॉय इना और हेयून सोच में बैठे होते हैं जब इना कहती है कि ये गेम खत्म करने के लिए उन्हें सारे आंसर्स फर्स्ट क्वेश्चन से ही सॉल्व करने होंगे। मिस्टर किम पीए रूम में जाकर स्पीकर फोन से सारे स्कूल को कनेक्ट करने वाले राउटर को केबल्स के थ्रू ढूंढते हैं क्योंकि अगर वो राउटर तक पहुंच गए तो उन्हें ये गेम स्टार्ट करने वाले का पता चल जाएगा। पीछे कैफेटेरिया में मेयून के पास सारे स्टूडेंट सो जाते हैं और कोई मेयून को उठाकर ले जाता है। उधर ये सब केबल्स को फॉलो करते हुए डॉर्म बिल्डिंग के नीचे पहुंचते हैं जहां उन्हें बॉम नाइफ पकड़े बैठा दिखता है और वो इना को देखकर उस पर अटैक करता है जिससे बचाने पर बॉम हेयून को स्टैब करके मार देता है। फिर वो दोबारा इना की तरफ बढ़ता है लेकिन मिस्टर किम उसे रोक से मार मार कर मार देता है। इना हेयून की बॉडी के पास बैठी रो रही होती है कि उन्हें गेम की आवाज आती है जिसे फॉलो करते हुए वो एक रूम तक पहुंचते हैं जहां क्वेश्चन लिखा होता है जिसे सॉल्व करके वो पासवर्ड देके डोर खोल सकते हैं। डोर की दूसरी तरफ मेयून उल्टी अटकी होती है और रूम में पेट्रोल गिरा होता है जिसे क्वेश्चन ना सॉल्व होने पर कैंडल गिरने से आग लग जाएगी लेकिन ऐसा होने से पहले ही मिस जॉय और इना क्वेश्चन सॉल्व करके रूम में आ जाते हैं। मिस जॉय और मिस्टर किम मेयून को उतारने की कोशिश करने लग जाते हैं तभी कोई औरत मेयून को ऊपर खींचती है और जे फेंक के मार देती है। मिस्टर किम उस औरत को फॉलो करने के लिए उसके पीछे जाते हैं तो वो उन पर नाइफ लिए अटैक करती है पर मिस्टर किम बचते हुए उसे स्ट्रैंगल करके मार देते हैं और उसकी शक्ल को दिखाते हुए हमें दिखाया जाता है कि वो जीवन की मदर थी। नेक्स्ट सीन में ऑडिटोरियम में मरने वाले स्टूडेंट्स के लिए मेमोरियल रखा जाता है जिसमें से इना रोती हुई रूफ पे चली जाती है। वो वहाँ जीवन की पेरेंट्स के साथ पिक्चर देख रही होती है कि कोई उसे किडनैप करके ले जाता है। सीन्स ऑडिटोरियम पर शिफ्ट होते हैं तो जीवन के फादर इना को बांधे हुए उसकी आवाज सुनाकर आखिरी क्वेश्चन पूछता है कि जीवन को किसने मारा था। साथ ही वो वीडियो दिखाता है जिसमें मर्डरर की चेन नजर आ रही होती है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जीवन क्लास की टॉपर थी लेकिन वो मिड टर्म में फर्स्ट नहीं आई थी जिसकी वजह मिस्टर किम थे जिन्होंने एग्जाम के क्वेश्चन अमीर पेरेंट्स को दे दिए थे और ये जीवन ने देख लिया था।
इसलिए उसने जब मिस्टर किम को कन्फ्रंट करके बोर्ड ऑफ एजुकेशन जाने की धमकी दी तो मिस्टर किम ने उसे गला दबाकर मार दिया और बॉम ने ये सब विटनेस किया। साथ ही जीवन के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया। प्रेजेंट में मिस्टर किम अपना राज खुलने पर एक्स उठाए सब पर अटैक करता है लेकिन गार्ड उसे पकड़ कर नाइफ से स्टैब करता मार देता है। बाकी सब गेट खुलने पर वहां से भाग जाते हैं जबकि मिस जॉय इना को स्टोर रूम में जाकर बचा लेती है। इधर मिस्टर किम के पास मौजूद गार्ड की शक्ल दिखाते हुए हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसको देखकर हमें पता चलता है कि गार्ड एक्चुअली जीवन का फादर था जिसने जीवन की डेथ का बदला लेने के लिए ये सब सेटअप किया था। और एंड पर हम देखते हैं कि जीवन इना के थ्रू अपना टॉप करने का सपना पूरा करती है।